ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दो उम्मीदवार अभी ऐसे बाकी हैं जो जूरी का सामना करेंगे। सीधे रुख करते हैं सत्यनारायण लाठर जी की ओर। जस साहब, सत्यनारायण जी से पहला सवाल करेंगे। झा साहब, सत्यनारायण ये बताइए कि मनरेगा जो स्कीम है जी, क्या उसका जमीनी स्तर पर कोई हरियाणा में फायदा हो रहा है और उसमें आप क्या बदलाव चाहेंगे, क्या उसमें आप सुझाव है आपका? मनरेगा स्कीम जो सरकार ने चलाई थी उसका आम जो आदमी है मजदूर को उसको फायदा नहीं हो रहा, बल्कि मजदूर उससे बिगड़ा है। मजदूर को आदत पड़ गई है निठल्ला रहने की, भी सरकार की तरफ से आपको पैसा तो मिलेगा ही, गारंटी होगी उसको कि भाई इतने दिन सरकार को पैसा देना पड़ेगा, रोज़गार देना पड़ेगा। तो वो ना किसान के पास जाता है ना वो अपनी मजदूरी करता है, और उसको ये हो गया है कि भाई तेरे को तो हर हालत में ये मिले ही मिलेगा। मेरे हिसाब से इसका कोई फायदा नहीं हो रहा, इसका नुकसान हो रहा है। सुधार क्या करेंगे इस पर? सुधार तो इसका यही करना पड़ेगा कि भाई उसको समय समय पर जा कर के जो अधिकारी हैं वो अधिकारियों की लापरवाही की वजह से, कर्मचारियों की लापरवाही की वजह से ज़्यादा इसका नुकसान हो रहा है। और जो पैसा जहाँ जाना चाहिए, जिस गरीब आदमी के पास जिसको रोज़गार की ज़रूरत है, चाहे वो किसी भी कास्ट का है, तो उसको रोज़गार हम अगर देंगे तो सही मायने में तभी उसको फायदा होगा। लेकिन लाठर साहब प्रशासनिक अधिकारी नहीं, तो जो पंचायत वाले लोग हैं, सरपंच पंच, वो भी तो गड़बड़ करते हैं। दरअसल ये है जी आर्य जी, सरपंच और पंच, जैसे पहले भी मेरे से पहले भी ये सवाल आया है, चाहे इसमें एक्शन पंचायती राज है, चाहे SDO है, चाहे सरपंच है, चाहे मेम्बर्स है, वो सारे के सारे इसमें धांधली में शामिल हो जाते हैं जी। तो इसको सुधारने की बहुत ज़रूरत है। मेरे को पहले भी मौका मिला, अगर मेरे को मौका मिला तो इस मनरेगा स्कीम को मुख्यमंत्री से या सरकार से कह करके इसमें काफ़ी सुधार की गुंजाइश है जी, गुंजाइश करनी पड़ेगी। थैंक यू लाठर जी। और मैं दूसरे सवाल के लिए रिक्वेस्ट करूँगा प्रोफेसर आहूजा आपसे। लाठर साहब जी, हरियाणा में मुख्य रूप से गांव हैं जी और किसान सबसे अधिक हैं जी। सर, अगर आप चुने जाते हैं जी और आप कृषि मंत्री बन जाते हैं जी, तो तीन प्रमुख जो किसानों की समस्याएं हैं वो क्या क्या होंगी आपके नज़र में? मैं अगर मेरे को कृषि मंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त होता है, सबसे पहले किसान के लिए जो आज किसान दुर्गति में है कि उसकी किसान की फसल का भाव नहीं मिलता, तो सबसे पहले मार्केटिंग बोर्ड वालों को मैं खींच करके ये कहूँगा कि भाई किसान को सही जगह पर फसल लाई जाए और किसान को उचित मूल्य उसका मिले, और किसान की सुविधा के लिए जितने भी मेरे इलाके में छोटी छोटी मंडियां हैं उन मंडियों में ऐसी सुविधा की जाएगी भाई किसान को फसल डालने में किसी किस्म की कोई दिक्कत ना हो, और वो फसल डाल करके सही तरीके से पूरा उसका तोल होना चाहिए और पूरी उसकी जो लागत है उसकी, जो पैसा है उसका, वो किसान की जेब में जाना चाहिए। और मार्केटिंग बोर्ड के जो सेक्रेटरीज हैं उनको हिदायत दी जाएगी कि आप समय पर किसान का भुगतान करवाएं और मौके पर खड़े होकर के मजदूर की जो दिहाड़ीदार है उसकी भी मजदूरी मिले। मैं ये ये है जो इसका मूल्य निर्धारण होता है जी वो केंद्रीय सरकार करती है। हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। तो इसमें मार्केटिंग बैठ के सेक्टर वो बोर्ड क्या करेंगे, आपको उसको कैसे करोगे उनकी? नहीं, मार्केटिंग ऐसा है जी, किसान के लिए वो सही बात है कि सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के कारण तो ने उसको रख दिया, लेकिन कृषि मंत्री होते हुए हाँ। जो गवर्नमेंट है अपनी तरफ से भी किसान को बोनस दे सकती है, जो बोनस दिलवाने का मैं काम करूंगा मुख्यमंत्री से मिल करके, भाई किसानों की अगर लागत पूरी नहीं हो रही तो हरियाणा सरकार उसको बोनस। इसके अलावा क्या करेंगे ये तो? इसके अलावा मेरा प्रयास यही होगा भाई किसान को, जैसे डीजल है, जैसे डीजल के डे बाय डे भाव बढ़ रहे हैं, तो डीजल के ऊपर वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, तो उसके ऊपर भी हम किसान के लिए कोई कार्ड ऐसा बनवाएंगे, कोई ट्रैक्टर का या इंजन का, जिससे किसान को सुविधा रूपी उसको जो है ना डीजल कम रेट पर मिल सके, ये मेरा प्रयास होगा जी। जी, थैंक यू लाठर जी। और मैं तीसरे सवाल के लिए रिक्वेस्ट करूँगा गुप्ता जी आप इसे। लाठर साहब, खाप पंचायत के बारे में बड़ी चर्चा, आप जानते हो अच्छी जी प्रकार से जी। एक तो जो खाप पंचायत के निर्णय है वो एक किस्म से समानांतर कोर्ट के अनुसार निर्णय, जब कोर्ट हैं तो उसकी उचितता है कि नहीं जी। दूसरे, इसके जो फैसले हैं जी वो सही होते हैं या गलत होते हैं?
उसके बारे में जी, तो आप मतलब इसके बारे में क्या आपका विचार और कैसे इसको दूर करोगे आप? मैं ये कहना चाहूँगा जी, पहले पुराने ज़माने में कहते पंच जहाँ परमेश्वर, जब आप पांच आदमी बैठे हो आप भगवान का रूप हो, आप जज हो। पहले पंचायत भगवान का रूप होती थी, इसमें कोई दो राय नहीं है, और खाप जो निर्णय लेती थी बहुत सोच समझ के निर्णय लेती थी कि भी कोई गलत ना हो जाए। लेकिन आज जो पंचायतें हैं वो पंचायतें नाम मात्र की रह गई हैं, वो सिर्फ थाने की, तहसील की, और जो है ना ये दलाली का रूप करते हैं, भाई मेरी सेवा कौन करेगा शाम को, उसी के हक में फैसला कर देते हैं। चाहे जो आप खाप पंचायतों की ये बात कर रहे हैं जहाँ आप भाई लड़का लड़की का और है फैसला करते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि वो खाप पंचायतें बहुत सोच समझ के अगर निर्णय लेती हैं, अगर उसको कोई समाज का फायदा होता है तो खाप पंचायतें हैं सही, और खाप पंचायतें अगर मुंह देख के निर्णय लेती हैं भाई मैंने तो इसकी इसने मेरी सेवा करी है इसका मैंने पक्ष लेना है, तो वो खाप पंचायतें उनको मैं सही नहीं मानता। नहीं, आप विधायक बन जाते हैं तो इसमें कैसे सुधार लाओगे ये? देखो और उसमें दूसरा पॉइंट मेरा इसमें महिलाओं का जी 50% टाइम का मुक्त रखना पड़ेगा। आप विधायक के तौर पर जो आपने व्यवस्था बताई है गड़बड़ है, इसको कैसे ठीक करेंगे? देखो खाप पंचायतों में मैं तो यही कहूँगा, मैं सामाजिक आदमी हूँ, मैं खाप पंचायतों को यही कहूँगा कि जो पंचायतें पहले फैसला करती थी उसी हिसाब से आ जाओ भाई, अगर मुंह देखमा फैसला करोगे तो मैं उस पंचायत को नहीं मानूंगा। आप उस पर रोक लगाएंगे? मैं रोक लगाऊंगा जी। थैंक यू। और मैं चौथे और अंतिम सवाल के लिए रिक्वेस्ट करूंगा मलिक साहब। लाठर साहब, आप प्रदेश के मुख्यमंत्री बन जाते हैं जी, ऐसे में आपका प्रदेश के लिए क्या विजन होगा, विकास के लिए आप क्या कदम उठाएंगे? तीन प्राथमिकताएं बता दीजिए मलिक साहब। मेरा सबसे पहला ये होगा कि आज तक जो भी मुख्यमंत्री बना है उस मुख्यमंत्री का यही क्राइटेरिया रहा है शिवाय चौधरी बंसीलाल को छोड़ करके कि भाई मैं अपने इलाके में काम करूं, और अपने इलाके में क्षेत्रवाद की जो बात अभी कर रहे थे आर्य जी वो सही बात है कि वो क्षेत्र तक सीमित रह जाता है। अब मेरा इलाका जुलाना हल्का लाखन माजरा रोहतक में है, और पौड़ी और दोरड़ किला जफरगढ़ ये कई गांव जो है ना हमारे लगते हैं। आप बताइए तीन प्राथमिकता आप क्या? मैं प्राथमिकता यही करूँगा कि पूरे प्रदेश का समान विकास करूँगा। दूसरा? और दूसरा मैं ये करूँगा जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके ऊपर मेरी पूरा डीपली ध्यान होगा कि ईमानदार अफसरों को लगाया जाए और वो ईमानदारी से लोगों की सेवा कर सकें। तीसरा? और तीसरा मेरा ये होगा कि आम जन मानस तक सरकार की पूरी सुविधाएं मिल सके, मेरा ये प्रयास होगा जी। थैंक यू लाठर जी। चार सवाल पूरे होते हैं। और अब प्रवीण सिहाग जी आप जवाब देंगे। कैसा यार प्रवीण जी? प्रवीण जी से पहला सवाल करेंगे दीपक जी। जिला परिषद और ब्लॉक समिति इलाके के विकास में क्या और कितना रोल अदा करते हैं? देखिए सर, जिला परिषद और ब्लॉक समिति ये विकास के लिए मतलब जो छोटी इकाइयाँ हैं, एक आदमी जब विधायक नहीं बन पाता, हो सकता है अपने इलाके का विकास कोई ब्लॉक समिति का मेंबर, उसका चेयरमैन या जिला परिषद का, जिसके दायरे में 10-5-7 गाँव आते हैं, उनकी समस्याओं को उठाकर उसके लिए जिला परिषद के जो मेंबर होते हैं उनको मेरे ख्याल से ग्रांट भी मिलते हैं वहाँ के कार्य करने के लिए, तो वो अपने तरीके से मेरे ख्याल से अपने वार्ड स्तर पर कार्य कर सकता है, एक शुरुआत तो कर सकता है, और उन जो मेन मुख्य समस्याएं हैं जो उसके दायरे से बाहर हैं उनको वो विधायक या फिर मुख्यमंत्री जहाँ कहीं भी उसको पहुँचाना है उनके लिए डिमांड भी कर सकता है जी, तो ये जिला परिषद और ब्लॉक समिति वाले मेरे ख्याल से कर सकते हैं इतना तो। और मैं दूसरे सवाल गुप्ता जी आप। आजकल राजनीतिक भ्रष्टाचार इसकी बड़ी चर्चा है, हाँ जी, तो आप इसको कैसे कम करोगे अगर आप विधायक बन जाते हो? देखिए कंट्रीब्यूशन गुप्ता जी आप को भी पता और सभी को पता है मेरे ख्याल से, जो भ्रष्टाचार है ये कोई छोटी चीज तो है, राजनीतिक भ्रष्टाचार, राजनीति में भ्रष्टाचार, जो राजनीति में भ्रष्टाचार राजनीतिक लोग करते हैं जो, हाँ हाँ, पॉलिटिशियन, तो देखो ये कोई ये भी कोई छोटा मामला नहीं है कि भ्रष्टाचार जो, तो आप कैसे रोक लगाएंगे? कैसे करोगे इसको रोक लगाने के लिए? देखो बहुत, एक MLA तो मेरे ख्याल से नहीं लगा सकता, क्योंकि MLA का तो एक दायरा खुद विधायक बन गया, चलो वो अच्छा भी है ना, तभी वो दूसरे आदमी को तो ये नहीं है कि उसको सुधार सके, नहीं, लेकिन खुद कम से कम अपने ऊपर, अपने चरित्र, अपने चरित्र के द्वारा, हाँ, जो अपने चरित्र के द्वारा बढ़िया काम करके दूसरे को एक ये एहसास तो दिला सकता है, दूसरे विधायक को या दूसरे MP को या मुख्यमंत्री को भी, अगर देखो मैं ईमानदार हूँ,
मैं निष्ठावान हूँ, मैं चरित्रवान हूँ, तो मैंने ये काम किया, जनता मेरे से खुश है और आगे भी जनता मेरे साथ है, तो ये तो हो सकता है। इससे ज्यादा तो मेरे ख्याल से एक विधायक, आप जिस पार्टी के विधायक होंगे किसी पार्टी के, हाँ जी, और आपका पार्टी का मुखिया का करप्शन में लिप्त होगा तो क्या करेंगे फिर आप? फिर तो वहां से भागना पड़ेगा, छोड़ देंगे आप? बिल्कुल, इसमें पार्टी को छोड़ देंगे या उसको उसके खिलाफ डंडा बुलंद करेंगे? मैं तो मुखिया के नीचे हूँ, अकॉर्डिंग टू रूल एंड रेगुलेशन। नहीं, अगर मुखिया करप्ट होगा तो आप पार्टी छोड़ देंगे, उसके झंडा बुलंद करेंगे उसके खिलाफ? नहीं, झंडा तो बुलंद नहीं करेंगे, कई बार ये भी तो देखना पड़ेगा ना, वो वास्तव में करप्ट है या नहीं। नहीं, अगर हुआ तो हुआ तो देखो वहां से तो फिर जान बचा के भागना ही पड़ेगा, जान बचा के मतलब भागेंगे आप वहां से। और चलिए ठीक है, मैं तीसरे सवाल के लिए रिक्वेस्ट करूंगा। चलिए आप, सही बात, मौजूदा राजनीति में आपको लगता है कोई सुधार की जरूरत है? अगर है तो कौन सी सुधार की जरूरत है? जी देखो सर, मौजूदा राजनीति में बहुत से सुधारों की जरूरत तो बहुत से सुधारों की है, तीन बताइए क्या सुधार होने चाहिए। लेकिन देखो पहले तो ये है कि जो कैंडिडेट को, जब सभी राजनीतिक दल कैंडिडेट अपना चुनती हैं तो उसके लिए वो अपना जो क्राइटेरिया निर्धारण करती हैं उसके लिए एजुकेशन, उसका वहाँ का जो दायरा है मतलब सिस्टम, उसका आचार व्यवहार लोगों के प्रति, और उसकी निष्ठा और चरित्र जी, और देखो ये चीजें तो प्राथमिकता में डालकर उसको जब चुनाव करना चाहिए, आपराधिक विचारधारा का ना हो, अपराधी ना हो, और जो भी हो हम सामाजिक रूप से भी थोड़ा मजबूत हो। चलो एक तो हो गया कि टिकट देते समय पार्टी को सावधानी बरतनी चाहिए, और दूसरा जब वो विधायक या मंत्री या कुछ बन जाता है उसके बाद भी उस पर इतना तो कंट्रोल होना चाहिए कि वो विधायक या मंत्री बनने के बाद होश का वो अफरा तफरी मचा दे, उसके इर्द गिर्द ऐसे लोगों को इकट्ठा हो जाए वो सारे, तीसरी बात मतलब वो सारा सिस्टम को बिगाड़ दें। तीसरा प्रवीण जी, तीसरा ये है श्रीमान जी, अगर राजनीति को शुद्धिकरण के लिए इसके लिए शुरू से ही ग्राउंड लेवल पर जब लोग चुनते हैं ना उनको भी ये देखना चाहिए भाई ये आदमी ठीक है कि नहीं, क्योंकि गलत आदमी को चुन लिया गलत काम करेगा। ठीक है प्रवीण जी, और मैं अंतिम सवाल के लिए मलिक साहब आपसे रिक्वेस्ट करूंगा। सियाग साहब, क्या कारण है कि जो स्वास्थ्य जो सेवाएं हैं सरकारी जो हॉस्पिटल्स हैं उनकी बजाय लोग जो है ना प्राइवेट हॉस्पिटल्स को ज्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं? हाँ जी, ऐसे बिल्कुल सही बात है ये, बिल्कुल आज चाहे किसी का बुखार हो जाओ तो वो सीधा हॉस्पिटल हमारे जुलाना में जैसे जो भी मेडिकल क्लिनिक है तो उन्हीं के पास जाते हैं, सरकारी हॉस्पिटल में तो कोई क्यों ये बिल्कुल बहुत ही कम जाते होंगे। क्यों? उसका एक मुख्य कारण क्या है कि अब आप हॉस्पिटल में चले जाओ वहाँ आपको डॉक्टर नहीं मिलेगा, और डॉक्टर कभी मिल भी गया तो वहाँ नर्स नहीं मिलेगा, असिस्टेंट नहीं मिलेगा, वहाँ लैब टेक्नीशियन नहीं मिलेगा, वहाँ खून चेक करने वाला नहीं मिलेगा, एक्सरे की जरूरत पड़ेगी तो एक्सरे वाला नहीं मिलेगा, अल्ट्रासाउंड की जरूरत पड़ेगी तो अल्ट्रासाउंड नहीं मिलेगा। आप MLA बन गए तो क्या करेंगे? तो इसके लिए तो सही तरीके से प्रॉपर चैनल से काम करना पड़ेगा श्रीमान जी, डॉक्टर को जहाँ डॉक्टर को बैठना चाहिए डॉक्टर, उसके लिए मुझे बार बार मेडिकल में जाके, तो प्राथमिक चीजें हैं सर जी, एजुकेशन और स्वास्थ्य। तो इसमें जब मैं वहाँ का विधायक बनता हूँ तो पहले तो ये मुझे चेक करना पड़ेगा डॉक्टर जो जिसकी ड्यूटी है वो वहाँ है कि नहीं, लैब टेक्नीशियन है कि नहीं, एक्सरे वाला है कि नहीं, अल्ट्रासाउंड वाला है कि नहीं, मतलब सही तरीके से अपने काम कर रहे हैं या नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि मैं विधायक बने आ रहा हूँ और जनता मेरे उड़ा परेशान हो रू है वह सड़का है घूमेगा, तो इसके लिए थोड़े सख्त कदम टीम बना के वहाँ जाना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। थैंक यू अमित। और यहाँ हम अपने सभी जुरिस साहेबान को थोड़ी राहत देंगे, क्योंकि अब जज साहब आपकी बारी है सवाल करने की, आप सभी उम्मीदवारों से सवाल कर सकते हैं। मेरा सवाल सबसे कॉमन है और सबसे पहले जवाब चाहूँगा अलावा जी आपसे सवाल, क्षेत्रवाद का हरियाणा में बहुत अधिक बोलबाला है, सभी चौधरी की राजनीति करते हैं, बात करते हैं, आप क्षेत्रवाद की राजनीति को कैसा मानते हैं, गलत या सही और क्यों? बहुत गलत है और घातक है। क्यों? और इसका समाज के ऊपर, एक तो उस पर्टिकुलर क्षेत्र को छोड़ के बाकी जो हरियाणा है जी उसको तो आप डेवलपमेंट की सोच ही नहीं रहे, और इस क्षेत्रवाद का जो आज का सिस्टम है इतना बुरा असर हो गया है कि समाज भी अफेक्टेड हो गया है जी। आपका ये लाइव टेलीकास्ट है वरना मैं मिसाल भी दे देता जी, आप विधायक बनेंगे तो आप अपने क्षेत्र के अंदर क्षेत्रवाद नहीं करेंगे? नहीं, मैं तो खैर आप विधायक ही रहूँ तो अपने जुलाने में रहूंगा मैं, जुलाने के अंदर ही एक गांव में दूसरे गांव में नहीं, नहीं उसमें कोई फर्क नहीं, वो तो जब सारा हल्का एक है जी। जगवीर जी, जी आज क्षेत्रवाद की जो राजनीति है वो चाहे
हमारे भारतवर्ष के लिए लगा लो, चाहे हरियाणा में लगा लो, और चाहे आप इसको हमारे हल्के से संबंधित लगा लो, हर व्यक्ति इस जो भी विधायक बनता है, जो भी किसी महत्वपूर्ण पद पर बैठता है, तो उसका पहला कार्य होता है कि अपने गांव का। ये गलत है या सही है? ये बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि इससे एक तो जिस जनता ने आपको चुना है, क्योंकि जनता जो है बेहतर गांव है मेरे हल्के के अंदर, बेहतर के बेहतर गांव आपको चुनते हैं, और उनका ये मानना होता है कि ये हमारे गांव में कुछ ना कुछ विकास करेगा। वो नहीं हो पाता। वो नहीं हो पाता। ठीक है जी, डॉक्टर स्नेह। सर, एक जब विधायक बनता है तो वो पूरे क्षेत्र का विधायक है, वो किसी एक गांव, एक विशेष गोत्र या एक उसका गलत, ये गलत है, ये बिल्कुल गलत। नुकसान क्या है इसका? इसका नुकसान ये है कि एक एक क्षेत्र का विकास कर रहे हैं और बाकी अनदेखा हो रहा है, वो जैसा था उससे भी नीचे चला जाएगा जी। और आपने जिसने आपको वोट दिया है या नहीं दिया है उसके भी आप विधायक हैं, इसलिए बिना किसी भेदभाव के पूरे क्षेत्र का समान एक आंख से एक सोच से उसका विकास जी। डॉक्टर स्नेह स्वामी जी, नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसने सभी ने उनको वोट दिया है और सभी को अधिकार बनता है उनका, और उस अधिकार का उसे पालन भी करना चाहिए जी। राठौर जी, मैं ये कहना चाहूँगा जी, जो क्षेत्रवाद की राजनीति बहुत गलत है और इससे बहुत दुष्परिणाम आ रहे हैं। एक ही इलाके के लोगों को नौकरी लगाया जाता है, एक इलाके में पैसा लगाया जाता है, इससे सारे का सारा प्रदेश चाहे हल्का है, मैं पहले भी मेरे को मौका मिला है, अगर मैं लाठ लाठों का काम करता या जुलाने जुलाने का काम करता तो आज लोग मेरे को पसंद नहीं करते। क्योंकि आज आपने देखा है मेरे 18 नंबर जो मिले हैं वो इसी बात के मिले हैं, लोकप्रियता के, मैंने सारा इलाका बराबर समझा है। तो सबका समान काम, सबका समान होना चाहिए। ठीक है, प्रवीण से आगे। अक्षेत्रवाद की तो बात होनी नहीं चाहिए श्रीमान जी राजनीति में। क्यों? अक्षेत्रवाद तो बिल्कुल ये गलत प्रणाली है। ये तो नुकसान क्या है इसका? उसका नुकसान तो बहुत घातक है, जब एक आदमी अपने घर तक सीमित हो जाएगा फिर तो जहाँ वो रहता है, तो अक्षेत्रवाद तो फिर वो अपने घर की, उसके बाद पास पड़ोस की, तो इसकी बजाय उसको विस्तृत रूप से पूरा जहाँ तक हल्का हो या उसका फिर राज्य हो, इसकी बजाय अक्षेत्रवाद की बजाय मैं आपको इसका समाधान नहीं, आप समाधान नहीं, तो ये तो बिल्कुल गलत है श्रीमान जी। थैंक यू। तो यहाँ सवाल जवाब राउंड खत्म होता है और अब बारी है तीसरे राउंड व्यक्तित्व एवं नेतृत्व की। व्यक्तित्व एवं नेतृत्व राउंड में मैं तमाम जूरी सदस्यों से आग्रह करूंगी कि वो संबोधन राउंड और सवाल जवाब राउंड के दौरान ही सभी उम्मीदवारों के व्यक्तित्व और नेतृत्व की परख करते हुए उन्हें अंक दे, क्योंकि इसके लिए हमने अलग से कोई राउंड नहीं रखा है। और इसी के साथ ही जुलाना हलके का जूरी राउंड अपने अंजाम तक पहुंचता है। जाहिर है अब सभी को इंतजार है ये जानने की कि आखिर जुलाना हलके से खबरें अभी तक ने किसे चुना है, एमएलए हो तो ऐसा। लेकिन ये बताने से पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं।